जय हिंद दोस्तों। कस्टमर गाड़ी लेकर आता है, घर पे जाता है, यूज़ करता है, बहुत खुश होता है, फिर हमको कहता है कि गाड़ी की चार्जिंग खत्म हो गई है, चार्ज कैसे करूँ। मैं आपको बताता हूँ, चार्जिंग इसके अंदर ही दिया हुआ है। आज हम आपको ये वीडियो में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई बस के इलेक्ट्रिक रिक्शा को आप चार्जिंग कैसे कर सकते हो अपने आपके घर के अंदर। तो चलिए चेक करते हैं। ये हमने गाड़ी को किया चालू और यहाँ पर हमारा बैटरी इंडिकेटर है तो ये 14% बैटरी बता रहा है अभी इसके अंदर लेफ्ट है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी चाबियों के अंदर, तो आपको चार चाबियाँ मिलती है। दो चाबी इसकी गाड़ी की है और दूसरी दो चाबी है वो यहाँ के केबिन की है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ केबिन के अंदर क्या मिलता है आपको। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक स्टोरेज स्पेस मिलता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक आपका जैक मिल जाता है और उसके साथ आपको दूसरा एक बॉक्स मिलता है। ये जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर चार्जर है। तो यहाँ पर लोडर के ऊपर ही रख के मैं आपको बताता हूँ ये चार्जर के बारे में और इसके अंदर चार्जर कैसा मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं चार्जर लेकर आया हूँ। आप चार्जर के अंदर देखेंगे तो एक जो है ये आपका एक्सपोर्ट है और ये जो है आपका इनपुट है। तो अगर ये आप देखेंगे तो ये जाएगा रिक्शा के अंदर, और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो प्लग है ये आपके घर के अंदर जो लगते हैं वैसा ही सेम प्लग है। अगर आपके घर पर एसी का इनपुट है तो वैसे ही एक इनपुट के अंदर ये भी लग जाएगा। मतलब कि आपको बाहर पे किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बाहर किसी चार्जिंग स्टेशन पे जाने की ज़रूरत है। ये रिक्शा जो है ये आपके घर के अंदर ही चार्ज हो जाती है और ना ही आपको कुछ बड़ा बनाने की ज़रूरत है। अगर आपके घर के अंदर 20 एम्पियर का आउटपुट नहीं है तो आपको वो बनवाने के लिए भी ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आपको कहीं पर किसी के पास 100-200 रुपये देकर भी आपका काम हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ अब इसको लगाना कैसा है रिक्शा के अंदर। तो इसको चार्ज करने के लिए पहले तो आपको गाड़ी बंद रखनी है, इसमें चालू मत रखिएगा। और इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखिए, आपका ये जो सॉकेट है इस सॉकेट को आपको निकालना है पहले, और इसके अंदर आपका जो चार्जिंग सॉकेट है उसको लगाना है। ये जो है मैंने इसके सॉकेट को निकाल दिया है और अब मैं चार्जर का सॉकेट लेकर आता हूँ। तो ये वाला जो है ये है आपके बैटरी का इनपुट और यहाँ पर आपको इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छे से लग गया है। ये वाला जो केबल है, ये जो केबल है ये अंदर आपकी बैटरी के पास जाता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो ये प्लग है ये आपको अपने स्विचबोर्ड के अंदर डालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 एम्पियर लिखा हुआ है ये प्लग के अंदर। यहाँ पर आपको बस सिंपली इसको ऐड कर देना है और स्विच चालू कर देनी है। यहाँ पर जैसे ही आप स्विच चालू करते हैं वैसे आपकी ये जो लाइट है ये शुरू हो जाती है, लेकिन आपका चार्जिंग अभी शुरू नहीं हुआ है। चार्जिंग को शुरू करने के लिए आपको इसके पीछे ये जो बटन है इसको दबा कर रखना है। इसको आपको 10 सेकंड तक दबा के रखना है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर एक आवाज़ आने लगा है। पीछे यहाँ पे इसका फ़ैन है, अगर आप वहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आवाज़ आने लगा है इसका मतलब कि आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो गई है। अगर आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे जो रेड कलर की है लाइट वो ब्लिंकिंग होना शुरू हो जाती है। और अगर आप अपने स्मार्ट बैटरी इंडिकेटर पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैटरी चार्ज सही में हो रही है। जैसे ही आप इसको चार्जिंग में रखते हैं आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो चार्जर है आपको उसको सनलाइट के अंदर नहीं रखना है, मतलब कि ये ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये रिक्शा तो चार्ज हो गया। अगर आपको भी अपने वॉलेट को चार्ज करना है, पैसों से भरना है, तो आप भी हमारी ई बस की इलेक्ट्रिक रिक्शा खरीद सकते हैं। इसको ख़रीदने के ऊपर आपको काफ़ी सारा डिस्काउंट मिलता है, काफ़ी सारी सब्सिडीज़ मिलती है, और आपका ये जो क्वालिटी है इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही दमदार रिक्शा है। आप हमारे सारे के सारे रिव्यूज़ देख सकते हैं। हमने इसको वाइब्रेंट गुजरात के अंदर चलाया हुआ है, इसके अंदर हज़ारों लोगों को बैठाया है। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए ये लोडर रिक्शा खरीद सकते हैं, और अगर आपको पैसेंजर रिक्शा की ज़रूरत है तो आप वो भी देख सकते हैं हमारा वीडियो यहाँ पर। आशा करता हूँ आपका बिजनेस दमदार चले और हमारी और आपकी मुलाकात ऐसे ही होती रहे। शुक्रिया। जय हिंद।